हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है दोस्तों। बेसिकली इस वीडियो में मैं आईफोन 15 प्रो जो लेटेस्ट सीरीज चल रही है उनकी कैमरा का आपको मैं बेस्ट सेटिंग्स करवाने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप 15 प्रो या 15 या आईफोन 15 प्रो मैक्स ऑन कर रहे हो या 15 जो मैक्स वाला मॉडल है, जो प्लस वाला वेरियंट है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप वो यूज़ कर रहे हो तो आपको ये सारी की सारी वीडियो जरूर चेकआउट कर लेनी है, जो कि आपके कैमरा की आउटपुट को और ज़्यादा इन्हांस करेगी, आपको बेहतर फोटोज़ क्लिक करने में मजबूर करेगी। सो सबसे पहले गाइस, जैसे ही कैमरा की वीडियो स्टार्ट होती है तो आपको सबसे पहला बोनस टिप ये दूंगा कि फोटो क्लिक करने से पहले या वीडियो शूट करने से पहले आपको अपना कैमरा जो है ना वो किसी माइक्रोफाइबर क्लोथ के साथ साफ़ कर लेना है, ताकि आपके कैमरा के ऊपर स्मजेस ना रह जाएँ, डर्ट वगैरह ना रह जाए। क्योंकि कैमरा जितना मर्जी बढ़िया हो, अगर लेंस ही क्लीन नहीं है सो आपकी फोटो क्लिक करने का कोई फायदा नहीं है। मोर ओवर, अपने फ़ोन को अनलॉक करो और सेटिंग्स में बढ़ते हैं, और जो जो सेटिंग्स में आपको परफॉर्म कराऊंगा आपको सेम वही फॉलो करनी है, ताकि आपके आईफोन में भी सेम टू सेम वही सेटिंग्स एग्जैक्टली हो जाए। सो लेट मी अनलॉक माई आईफोन फर्स्ट एंड देयर यू गो। चलते हैं कैमरा में, तो आपको कुछ इस तरीके की यूआई देखने को मिल जाएगी। ये बिल्कुल डिफॉल्ट यूआई है, इसके अंदर कुछ भी सेटिंग्स अभी छेड़खानी नहीं की गई। अगर आपने भी कुछ सेटिंग वगैरह नहीं की तो आपको भी सेम टू सेम आपके फ़ोन में ऐसे ही देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर हमें ये फ्लैश आइकन देखने को मिल रहा है, और इसी के साथ साथ ये हमें मिल रहा है नाइट मोड का ऑप्शन। सो यहाँ पर आपको एरो बटन देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, अगर आपको लो लाइट में फ़ोटो क्लिक करनी है, वैसे तो आईफोन आपका खुद डिटेक्ट कर लेगा कि आपको लो लाइट फोटो क्लिक करने की ज़रूरत है या नहीं है। सो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, आप स्पेशली इसको ऑन ऑफ कर सकते हो अगर आपको लो लाइट फोटो मोड यूज़ नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपका आईफोन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा शटर प्रेस करने में, जिसके कारण फोटो में ज़्यादा लाइट एंटर हो सके और वो फोटो ज़्यादा लाइट से भरपूर और क्रिस्प आएगी। सो ये है लाइव ऑप्शन, इसको आपको ऑफ रखना है। ये जस्ट आपकी एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर देगा हर फोटो में, ताकि आप अपनी मेमोरीज का मजा ले सको, हर फोटो में आपकी मेमोरी जो है सेव हो सके। सो इट जस्ट गोइंग टू सेव यूज योर मोर स्टोरेज स्पेस। सो मैं रिकमेंड करूंगा इसको बंद करो, ये आपकी स्टोरेज एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। इस एरो को प्रेस करते ही आपको नंबर ऑफ टूगल्स जो है ओपन हो जाएंगे। ये है फ्लैश, ये जस्ट आपको सभी को पता है, इसको ऑटो पे सेट करो। ये नाइट मोड है एज आई ऑलरेडी मैंशनड यू। ये लाइव फोटो है, इसको ऑफ रखना है। और ये है फोटोग्राफिक स्टाइल्स, इसको आपको स्टैंडर्ड पर रखो। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर काइंड ऑफ प्रेफरेंस कि आपको रिच कंट्रास्ट पसंद है या फिर वाइब्रेंट या फिर स्टैंडर्ड। मैं स्टैंडर्ड की तरफ जाऊंगा बिकॉज एप्पल का जो सॉफ्टवेयर AI है वो काफ़ी शानदार है, स्टैंडर्ड ज़्यादा बेहतर वर्क करता है। 4:3 को प्रेफर मैं नहीं करता, मैं हमेशा जाऊंगा 16:9 के ऊपर, जो कि कैमरा नए UI का फील देता है। ये है हमारा एक्सपोजर, इसको आप मैनुअली एडजस्ट करने से अच्छा ऑटोमेटिक आप इस सनलाइट को, ये जो आपको सन शो हो रहा है इस बॉक्स के आसपास, इसको यूज़ करना ज़्यादा बेहतर रहेगा वीडियो के केस में और फोटो के केस में। बढ़ते हैं अपनी सेटिंग्स की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो की सेटिंग्स भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगी सिनेमैटिक मोड में, और जो हमारा स्लो मोशन मोड है उसमें आपको 0.5x, 1x और 3x की ऑप्शन देखने को मिल रही है, लेकिन सिनेमैटिक मोड में जस्ट 2x और 1x की ऑप्शन है। और सिनेमैटिक मोड आई बिलीव अब आप 4K में शूट कर सकते हो, ये जी कुछ सबसे बढ़िया चीज़ है। और 4K आपको 60fps अभी भी देखने को नहीं मिल रहा सिनेमैटिक वीडियो मोड में। वीडियो के केस में चलते हैं, तो यहाँ पर 4K एट 60fps आप मैक्स टू मैक्स शूट कर सकते हो प्रो रेस में, और प्रो रो में आप फोटोज क्लिक कर सकते हो, जो कि एक आपको DSLR वाली फील मिलने वाली है, एग्जैक्टली हाई रेजोल्यूशन वाली फोटोज। एग्जैक्ट एप्पल का क्लेम करना ये है कि आप इससे हॉलीवुड मूवी शूट कर सकते हो इन आईफोन से, और किसी भी टेम्परेचर में, किसी भी सीजन में कोई भी इसको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो एप्पल ने कैमरास बहुत ही ज़बरदस्त निकाल दिए हैं, 48 मेगापिक्सल के सेंसर्स हैं हर एक कैमरा में। सो कमाल का आपको इसमें फोटो और वीडियो देखने को मिलने वाली है। पोर्ट्रेट मोड में आपको 2x और 3x की ऑप्शन मिलने वाली है, जो कि बिल्कुल आपको DSLR वाली फील मिलने वाली है। पनोरमा मोड सेम है, कोई यूज़ नहीं करता, सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्किप इट। स्लो मोशन की क्वालिटी बहुत शानदार है, यहाँ लो लाइट में भी लाइट बिल्कुल भी फ्लिकर नहीं कर रही, जो कि मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगी। अब चलते हैं बेसिकली सबसे मेन सेटिंग्स में, जो कि आपको ज़रूर फॉलो करनी है। सो लेट्स जंप टू द सेटिंग्स फर्स्ट एंड द एंड ऑफ द पेज आपको स्वाइप डाउन करना है, और फिर कैमरा वाले सेक्शन पर पहुंच जा रहे हैं। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, ये कैमरा वाला सेक्शन है। आपको यहाँ पर फर्स्ट रिकॉर्ड ऑप्शन वाले वीडियो के ऑप्शन के ऊपर आपको जाना है, 1080x 60fps के ऊपर सेट करो। ये आपको क्यों करनी है, क्योंकि यही ऐसी सेटिंग्स है जो कि आपको सबसे बेहतर FPS और सबसे एफिशियंट
रहने वाली है, बिकॉज इससे आपकी स्पेस भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगी और आपको 60 FPS भी देखने को मिलेंगे। अगर आपको हाईएस्ट रेजोल्यूशन चाहिए कि भाई मेरे को स्पेस की कोई कमी नहीं है, मेरे को हाईएस्ट रेजोल्यूशन चाहिए, तो मेरे को आपको 4K एट 60 FPS पर सेट करना है। सो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं और हमारे कैमरा में वीडियो फ्लिकर कर रही है, जैसे ऐसे लगता है कि लाइट चालू बंद हो रही है, राइट। सो आपको जो है ना उस सेटिंग्स को, इस चीज़ को फिक्स करने के लिए शो पाल फॉर्मेट को ऑन करना है, और जैसे जब भी वीडियो बना रहे हो आप और या फोटो क्लिक कर रहे हो, आपकी लाइट फ्लिकर कर रही है, तो आपको हमेशा अपनी सेटिंग्स को पाल फॉर्मेट के ऊपर सेट कर देना है। चाहे आप 1080p FPS के ऊपर सेट कर दो, 20 FPS के ऊपर, या आप 4K के ऊपर सेट कर दो। सो जब भी लाइट फ्लिकर करे तो आप 20 FPS 25 FPS के ऊपर कर दो, जो पाल फॉर्मेट है, और फिर से डिफ़ॉल्ट आप 1080 एट 60 FPS पर रख सकते हो। सो स्पेस कंज्यूमिंग यही है, मैं तो हमेशा यही यूज़ करता हूँ और प्रेफर भी यही करूँगा। एनहांस स्टेबलाइजेशन मोड को इनेबल करो, एक्शन मोड लोअर लाइट इसको ऑफ रहने दो, ये आपकी वीडियो की क्वालिटी ख़राब करेगा। यहाँ पर HDR वीडियो हमेशा ऑन रखना है, ऑटो FPS को ऑन रखो, लॉक कैमरा को ऑफ रखना है, लॉक वाइट बैलेंस को ऑफ रखना है। अगर आप लॉक कैमरा को ऑफ रखोगे तो आप तीनों ही कैमराज के अंदर, तीनों सेंसर्स के अंदर स्विच नहीं कर पाओगे जब आप वीडियो शूट कर रहे हो। मोरओवर आपको स्लो मोशन शूट करनी है मैक्सिमम रेजोल्यूशन के ऊपर, सिनेमैटिक वीडियो आपको शूट करनी है यहीं सेम सेटिंग्स के ऊपर, 4K के ऊपर सेट ना करना, फिर से स्टोरेज बहुत ज़्यादा कंज्यूम होएगी आपकी। उसी के साथ चलते हैं फॉर्मेट्स के ऊपर, आपको जाना है हाई एफिशिएंसी के ऊपर। दोस्तों अगर आप लैपटॉप वगैरह में या कंप्यूटर वगैरह में फोटोशॉप में फोटो वीडियो एडिट करते हो, या आपको रॉ वीडियोस चाहिए, तो आपको मोस्ट कंपैटिबल के ऊपर सेट करना है। अगर आप लैपटॉप वगैरह में या फोटोशॉप वगैरह में फोटोज वीडियोज एडिट नहीं करते, तो आपको हाई एफिशिएंसी के ऊपर सेट करना है। फोटो मोड अभी यहाँ पर 24 मेगापिक्सल पर शूट हो रही है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा 12 मेगापिक्सल पर ही कर लो अगर आप नॉर्मल स्ले पर्सन हो, और अगर आप स्पेशली कोई कैमरा रिगार्डिंग चीज़ें कर रहे हो तो आप 24 मेगापिक्सल पर कर सकते हो। सो इट्स जस्ट ओके टू गो फॉर 12 मेगापिक्सल, जो कि आपकी स्पेस कंज्यूम नहीं करेगा ज़्यादा। प्रो रो रेजोल्यूशन कंट्रोल को ऑफ रखो, बिकॉज आप कोई भी हॉलीवुड सिनेमैटिक वीडियो शूट नहीं करने वाले, आप जस्ट नॉर्मल वीडियो शूट करोगे, तो आपको इतनी ज़्यादा हाई स्पेस कंज्यूमिंग वीडियो शूट करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर स्पेशली मेंशन है कि 10-bit HDR वीडियो शूट होगी, और 1 मिनट की वीडियो 3-4 GB को क्रॉस कर सकती है। सो आपकी 5 मिनट की वीडियो आपकी 128 GB को ऑक्यूपाई कर सकती है। सो नो नीड टू टर्न ऑन दिस वन। स्पेशल वीडियो फॉर एप्पल प्रो विजन, इस ऑप्शन को ऑफ कर दो, जो कि एप्पल का जो डिवाइस है ना, स्पेशल विजन और एप्पल प्रो विजन काइंड ऑफ, अगर आपने वो बाय नहीं किया है तो आप इसको ऑफ रखो, कोई ज़रूरत नहीं है। ये एप्पल प्रोरेस को भी आपको ऑफ रखना है। आगे की सेटिंग छोटी सी है, आपको ध्यान से देख लेना है। रिकॉर्ड स्टीरियो साउंड को ऑन करो, यूज़ वॉल्यूम ऑफ बस्ट फोटोज़ को ऑन करो। ये सेटिंग्स क्या करेगी आगे चलकर दिखाता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। ये स्कैन QR कोड्स को ऑन करो, शो डिटेक्टेड टेस्ट को ऑन करो। ग्रिड आप ऑन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, इट्स जस्ट ओनली अप टू यू, आपकी मर्जी है। ग्रिड से क्या होता है, जैसे अभी आप कैमरा चेकआउट करो कि यहाँ पर कोई लाइन्स नहीं आ रही, ठीक है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कोई लाइन्स नहीं आ रही। जैसे ही आप ग्रिड ऑन करोगे, आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन्स देखने को मिल जाएंगी। ये आपकी बेहतर फोटो और सीधी फोटो स्ट्रेट क्लिक करने में हेल्प करती है। सो इट जस्ट अप टू यू कि आपको कैसी कैमरा में UI चाहिए। लेवल ऑप्शन को ऑन करो, मिरर फ्रंट कैमरा को ऑन करो। मिरर फ्रंट कैमरा से आपकी जो सेल्फी है ना, वो टेढ़ी नहीं होगी, जैसे शीशे में आती है ना, ऐसे शो नहीं होगी। सो एग्जैक्टली जैसे कैमरा में दिख रही है, वैसे ही आपकी सेल्फी सेव होगी। उसी के साथ साथ दोस्तों, आपको जो है ना लेवल ऑप्शन को ऑन करने से आपको हमेशा ये लेवल फीचर देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप आईफोन स्ट्रेट पकड़ोगे, आपको ये बार देखने को मिल जाएगी, ये आपको बताएगी कि आप अपने फोटो सीधी क्लिक कर रहे हो या फिर थोड़ी सी टेढ़ी है, टिल्टेड है। सो व्यू आउटसाइड द फ्रेम को ऑन ऑफ करो, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन यू, कैमरा UI चेंज करता है और कुछ नहीं है। मेन कैमरा 24mm ओनली, सो इसको वही सेटिंग्स पर रहने दो। फोटो पोर्ट्रेट मोड इसको ऑन रखना है, ये नीचे वाले प्रायोरिटाइज फास्टर शूटिंग को भी ऑन करना है, ताकि आपका आईफोन जल्दी से शूटिंग स्टार्ट कर सके जब आपको चाहिए। मैक्रो कंट्रोल को आप ऑन रखो, इससे क्या होगा कि जब भी आप अपने फोटो या वीडियो के केस में कैमरा पास लेके जाओगे, तो आपको मैनुअल मैक्रो कंट्रोल देखने को मिलेगा। आपको जो है ना, आपका आईफोन जो है ना ऑटोमेटिक स्विच नहीं करेगा, सो जो कि सही चीज़ है। सो ये आपको मैक्रो का बटन देखने को मिल रहा है। सो दिस वॉज दी बेस्ट सेटिंग्स अवेलेबल फॉर योर आईफोन 15 सीरीज ऑल डिवाइसेज। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।